वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर सिविक्स क्लास, क्लास 6, चैप्टर 2. हियर इज द स्टोरी अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप. एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायरी. ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We will. बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया. एक घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए. उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए. उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे. हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at plight in which he found us, as is usual among the Hindus. The station master asked us who we were. Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. Mahars is one of the community which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं. हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे. हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे. निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है. स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं. बिना एक पल भी सोचे मेरे मुँह से निकल गया कि हम महर हैं. बॉम्बे प्रांत में महर समुदायों को अछूत माना जाता था. उनको एकदम से धक्का लगा. वे भौचक्के रह गए. उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ. वी वुड सी डैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन. एज सून एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वेयर. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to feeling of extreme sadness. उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ. हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी. उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए. 15-20 मिनट बीत गए. सूरज बिल्कुल छिप सा गया था. पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे. हम काफ़ी घबराए हुए थे. यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a black cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many black carts plying for hire, but my reply to the station master that we were Mahars has gone round among the cartmen and not
One of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchables classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महर हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. Even though they could pay the money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरे को मिलता है। Striving for equality. The struggle for freedom from British rule also include within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit women, tribals and peasants fought against the inequality they experienced in their lives. समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों, लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Peasant and tribal fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that exist. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which
डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन प्रैक्टिस इन आर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैज स्ट्रगल अगेंस्ट दिस. मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ दलित. 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया. संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया. कई नेता इन लड़ाइयों के लिए के हिस्से थे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर. इसलिए नेताओं ने So this leader set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए. समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है. प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है. अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है. लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं. नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं. इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए. Therefore, India became a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity that we all live together and respect one another. Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. संविधान के लेखकों ने यहाँ भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है. उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर माने, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं. इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं. हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है. समानता वह मूल है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा. भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं. This is the end of this video. In next video, we will discuss the question answer of this chapter. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए. हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे.